आप सभी महानुभाव, यह है भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों के मानस से दूर, जो आपके मन मस्तिष्क में आता है उसकी भी परिकल्पना कर उसके विकास को अंजाम तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा नागदा नगर एक ऐसी नगर पालिकाओं में पूरे मध्य प्रदेश में शुमार है जिसने लिंग से हटकर काम करने अपनी महारत हासिल की है। लोगों तक सुविधाएं कैसे पहुंचे, आम जनता अब बिना किसी तकलीफ के असुविधाओं के इन तक कैसे सुविधाएं पहुंचे, चाहे वार्डों में कैंप लगाए हों, लिंक से सारे शिक्षकों का सम्मान, वृद्धों का सम्मान, युवाओं का सम्मान, सब्जी मंडी स्थानांतरण, जितने काम रहे हैं, शायद नागदा के जर्रे जर्रे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से हमारे नगर पालिका के तमाम अध्यक्षों ने किया। मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि हमारे हर अध्यक्ष का रिकॉर्ड हमारे अगले अध्यक्ष ने तोड़ा है। अभी तक की सारी परिषदों के काम को हमारी वर्तमान परिषद उसे श्रेष्ठ काम कर देगी और गुणवत्तापूर्ण करके देगी, बिना तकलीफ, बिना किसी भय भ्रष्टाचार के देगी। यही हम सबकी भी कल्पना है। आप सब का स्नेह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे, हमारे नेताओं को मिलता रहे। यही अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति गुजरात में जो भाजपा की ऐतिहासिक विजय हुई उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार पुनः गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। गुजरात में सेवाएं दे रहे हमारे चुनाव के समय सेवा देने वाले हमारे तमाम आदरणीय दिलीप जी, आदरणीय सुल्तान सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी और अन्य साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से संगठन के आदेश पर आपने पार्टी के लिए अथक प्रयास किए और आज भाजपा को वहाँ पर ऐतिहासिक विजय श्री का वरण हुआ। इस अवसर पर मैं जो कुल 254 हितग्राही हैं उनको यह राशि लगभग 2.5 करोड़ की राशि वितरित की जा रही है, मैं निश्चित रूप से बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान के इस महत्वपूर्ण योजना के लिए मैं निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारा गरीब कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसे आवास मिलेगा, वो अपना स्वयं का सपनों का आशियाना बना पाएगा। सैकड़ों योजनाएं प्रधानमंत्री की और मध्य प्रदेश की शिवराज जी चौहान की सरकार की है, लेकिन मैं मुख्य रूप से आज इस योजना के जितने भी हितग्राही हैं और लगभग मित्रों आश्चर्य की बात है और बड़ी प्रसन्नता का विषय है, लगभग 2500 से अधिक नगर पालिका परिषद ने इस नगर में प्रधानमंत्री आवास की इस योजना का लाभ हमारे गरीब परिवारों को दिलाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से नगर पालिका परिषद ऐतिहासिक काम करती है। सनों 1999 से आज तक जब तक भाजपा की परिषद रही है, इस नगर पालिका ने विकास के सारे रिकॉर्ड इस नगर में तोड़े हैं और हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना हमारा सबका परम कर्तव्य है। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आप आमंत्रित करने के लिए नगर पालिका परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। एक बार पुनः आप सभी हितग्राहियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।